MNC में रहकर आप एक डिपार्टमेंट कैसे वर्क करता है वो सीख जाते हो, स्टार्टअप में आके आप एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करते हैं वो सीख जाते हो, बट एट द सेम टाइम स्टार्टअप्स में आओ, मतलब एक दिन आप कुछ कर रहे हो, दूसरे दिन उससे कुछ रिलेटेड नहीं होगा, कुछ और ही कर रहे होते हो। वहाँ पे आई स्टिल रिमेम्बर कोई ओरेकल से था, कोई KPMG से था, कोई फेसबुक से था, अच्छा, कि स्कूल जाओ फिर IIT कोचिंग क्लासेस जाओ। आई थिंक वो स्ट्रगल कहीं ना कहीं आपको हेल्प करती है कि जॉब करो और फिर MBA करो। मैं बहुत क्लियर था कि मेरे को जॉब छोड़ के MBA नहीं करना, ओके, मैं साथ में परसू करना चाहता था। तो फिर आपका जैसे बहुत डाइवर्स प्रोफाइल है, इसके बाद आपने मल्टीपल स्टार्टअप्स के साथ भी काम किया, तो अब मैं जानना चाहूंगा स्टार्टअप के साथ जब हम काम करते हैं तो हमारे को छोटे से छोटा रोल भी करना पड़ता है, कभी हम टेक में है, कभी हम प्रोग्राम में है, कभी हम कुछ और कर रहे हैं, सब कुछ चीजें हैंडल करनी पड़ती है, राइट? तो मतलब आपको क्या लगा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है स्टार्टअप्स में काम करने के एज कम्पेयर टू अ बिग एंड स्टेबल ऑर्गेनाइजेशन? तो आई थिंक ये काफी काफी इंटरेस्टिंग कंपैरेटिव हो जाता है जब आप एक प्रॉपर MNC में बड़ी कंपनी में काम करके आते हो। आई थिंक इन योर अर्ली स्टेजेस ऑफ योर करियर जो लर्निंग आपको एक स्ट्रक्चर्ड ऑर्गेनाइजेशन दे सकती है, आई थिंक वो एक्सपीरियंस अनबीटेबल होता है, एंड इट एड्स टू योर क्रेडिबिलिटी ऑल्सो। आई थिंक कहीं ना कहीं बिकॉज मैं JP Morgan में काम कर चुका हूँ, दैट स्पोक समथिंग अबाउट मी कि ये बंदा जेन्युइन है, इसको कुछ आता होगा। और JP ने काफी हेल्प भी करी वो सीखने के लिए। आई थिंक JP बिकॉज MNC थी, ऑल ओवर वर्ल्ड उनके ऑफिसेस थे, तो जो कलीग्स मिले, जो लर्निंग मिली वहाँ पे, वो काफ़ी अच्छी थी। बट अगेन MNCs की अपनी एक हायरकी होती है, स्ट्रक्चर्ड कम्युनिकेशंस होते हैं, आपको पता होता है कि अगर मैं अगले 10 साल भी यहाँ पे काम करूँगा तो मैं VP बन जाऊँगा, AVP बन जाऊँगा, करेक्ट? आपका प्रोग्रेशन ऑफ करियर कहीं ना कहीं फिक्स्ड होता है। ऑफकोर्स इट डिपेंड्स ऑन यू आप कितनी मेहनत करते हो, क्या होते हो, बट एक MNC में आपका वर्क का दायरा सीमित होता है, आप क्या करने वाले, क्या करने वाले। बट एट द सेम टाइम स्टार्टअप्स में आओ, राइट, मतलब एक दिन आप कुछ कर रहे हो, दूसरे दिन उससे कुछ रिलेटेड नहीं होगा, कुछ और ही कर रहे होते हो। आई थिंक मेरे को काफी मजा आया स्टार्टअप्स में, स्पेशली इन सेंट्रल रोल्स ऑफ स्टार्टअप्स, जहां पे आपको 360 डिग्री व्यू ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। दैट रियली आई थिंक दैट वाज एरिया की मैं स्टार्टअप पे सोल्ड हो गया था। MNC करके आया, जब स्टार्टअप करा और वहां पे देखा कि यार यहाँ तो आप पूरी ओनरशिप के साथ जो करना चाहते हो वो कर सकते हो, कर सकते हो। जब वो रियलाइजेशन हुआ कि कोई हायरकी नहीं है, अगर आपका थॉट प्रोसेस लॉजिकल है, आप एक अपनी बात को डेटा के साथ बैक करके आर्ग्यूमेंट से मतलब प्रूव कर सकते हो, यू कैन गो फॉर इट, यू कैन इनिशिएट न्यू प्रोजेक्ट्स, यू कैन ओन समथिंग व्हिच इज नॉट इवन इन योर लाइन ऑफ वर्क, आप वो एंड टू एंड एग्जीक्यूट कर सकते हो, तो कुछ बिल्ड करने का मौका मिलता है, कुछ अच्छा बनाने का मौका मिलता है। वो MNC में इतना मतलब आता नहीं, इतनी बार आपको वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। मतलब मुझे भी ऐसा लगता है स्टार्टअप में यू ट्राई टू डू थिंग्स कम्प्लीटली, आपको एक पूरा जो पाथवे है ना उसके बारे में पता होता है एंड टू एंड। शायद आप बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में काम एक छोटे से मॉड्यूल तक रह जाते हो, तो वो एक होलसम एक्सपीरियंस जो आपको मिलता है वो स्टार्टअप्स में मिलता है, राइट? एब्सोल्युटली। और वो 360 डिग्री व्यू आपकी भी काफी पर्सनल ग्रोथ में भी हेल्प करता है, करेक्ट? एक दिन आप ऑप्स के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हो, फिर सेल्स के साथ, फिर किसी और के साथ, राइट? तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही डोमेन में बस बढ़े जा रहे हो। अगर आपको लाइफ में कभी ग्रो करके कोई CXO पोजीशन भी हासिल करनी है, यू शुड नो हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन वर्क रेदर देन जस्ट अ डिपार्टमेंट। करेक्ट। MNC में रहकर आप एक डिपार्टमेंट कैसे वर्क करता है वो सीख जाते हो, स्टार्टअप में आके आप एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करते हैं वो सीख जाते हो। अब अर्पित, स्टार्टअप में बहुत ज्यादा काम होता है, ये तो हमने डिस्कस कर लिया। अब आपने इतने सारे काम के बावजूद साथ में MBA भी स्टार्ट कर दी IIM कोझिकोड़े से, राइट? तो कैसे कोप अप किया आपने जॉब को, MBA को साथ में, और ये जो एग्जीक्यूटिव MBA होती है ये एक रेगुलर MBA से कैसे डिफरेंट होती है अगर किसी को करनी है, राइट, अपनी जॉब के साथ, तो उनको भी थोड़े से इसके बारे में गाइड करें। आई थिंक देखो डिफिकल्ट तो था, बहुत ईजी नहीं होता स्टार्टअप्स में, अगेन आपके वर्किंग आवर्स डिफाइन नहीं होते, तो इतनी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती कि अगर स्ट्रक्चर टाइम पे क्लासेस है तो आप जा पाओ, पैरेलल में MBA कर लो, डिफिकल्ट था। बट आई थिंक लुकिंग बैक जो स्ट्रगल आपने 12th में करी होती है ना, कि स्कूल जाओ फिर IIT कोचिंग क्लासेस जाओ, आई थिंक वो स्ट्रगल कहीं ना कहीं आपको हेल्प करती है कि जॉब करो और फिर MBA करो। ये स्ट्रगल सेम ही है, स्ट्रगल वो की वही है। मेरे लिए बस आई थिंक मैं बहुत क्लियर था कि मेरे को जॉब छोड़ के MBA नहीं करना, ओके, मैं साथ में परसू करना चाहता था, बिकॉज MBA शायद मेरे लिए, मैं जो काम कर रहा था, मैं जिस डोमेन में था, मेरे को उसी में ग्रो करना था, ओके, मेरे को, मैं ऐसा नहीं था कि मैं एक डिफरेंट इंडस्ट्री में काम करता हूँ और MBA विल हेल्प मी टू गेट इन टू कंसल्टिंग और सम अदर डोमेन, मैं इसी डोमेन में आगे बढ़ना चाहता था, मैं वो कहता, बस मुझे कुछ स्किल्स की जरूरत थी जो MBA शायद वो नेटवर्क देता, वो स्किल्स देता, तो मैं वो जॉब के साथ ही करना चाहता था। तो स्पेसिफिकली आई मेड श्योर कि आई फाइंड एन अपॉर्चुनिटी जो मुझे जॉब के साथ रह के वो स्किल्स और वो अपॉर्चुनिटीज दे पाए और वो मुझे मिला एग्जीक्यूटिव MBA में, ओके। और स्पेशली जब
लेटली इन इंडिया इफ यू विल सी एग्जीक्यूटिव एमबीए के अलग अलग नाम होते हैं और ऑलमोस्ट ऑल द आईएम्स आर ऑफरिंग इट. कभी ये एक शॉर्टन फॉर्मेट में ऑफर होता है, कभी एक लॉन्ग फॉर्मेट में होता है. आई वेंट फॉर अ फॉर्मेट जहाँ पे 2 साल का फुल टाइम प्रोग्राम था. अच्छा. जिसपे हमारी क्लासेस वीकेंड्स पे लगती थी. अच्छा. तो वीकडेज में मैं ऑफिस करता था 5 डेज कम्प्लीटली इमर्स इन वर्क और वीकेंड्स पे हमारी सैटरडे संडे 6-6 घंटे की लाइव क्लासेस लगती थी. ओके. आई स्टिल रिमेम्बर स्पेशली इन दिस आई एम कोझिकोड एग्जीक्यूटिव, इनके हर सिटी में सेंटर होते हैं. अच्छा. तो आई वॉज बेस्ड आउट ऑफ दिल्ली एनसीआर गुड़गांव. तो गुड़गांव में इनके कुछ 5 सेंटर हैं. आई स्टिल रिमेम्बर कि मैंने ऑफिस के पास वाला सेंटर बुक करा था. अच्छा. वहाँ पे मैं हर सैटरडे जाता था. अच्छा. सुबह 9 बजे से क्लास शुरू होती थी, शाम को कुछ 4-5 बजे तक चलती थी. अच्छा. तो 2 साल तक मैंने अपने वीकेंड्स पूरे 7 दिन हाँ लगा दिए थे वहाँ पे. अच्छा. बट लकीली फॉर मी इट वर्कड आउट कि लकीली और अनलकीली आई वुड से कोविड आ गया. ओके. तो जो नॉर्मल प्रोग्राम भी था वो भी ऑनलाइन हो गया. ओके. तो सडनली फिर एग्जीक्यूटिव और ऑनलाइन, यू नो, एग्जीक्यूटिव एमबीए और नॉर्मल एमबीए में फर्क नहीं रहा था. तो बस मेरा ऐसा रहा कि मैं 5 दिन काम करता था. अच्छा. और 2 दिन जाके एमबीए की क्लासेस लेता था. तो मतलब इट इज अ गुड वे फॉर स्टूडेंट्स हु वांट टू हैव अ हायर डिग्री अलोंग विद देयर जॉब. एब्सोल्युटली. एंड आई थिंक ये चॉइस शायद एक बहुत पर्सनल चॉइस है. आपको क्लियर होना चाहिए कि आप एमबीए अगेन क्यों करना चाहते हो. राइट. मेरे लिए वो काफी क्लियर था और फॉर मी एग्जीक्यूटिव एमबीए मेड सेंस. तो अर्पित, आपने इंजीनियरिंग एमबीए दोनों किया है, राइट? यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूंगा कि कौन से वो स्किल्स हैं जो इंजीनियरिंग के हो चाहे एमबीए के हो, राइट, जो कि आपके करियर में, जॉब में थ्रू आउट आपके बहुत ज्यादा काम आते हैं. मतलब इन स्किल्स को पकड़ लेना चाहिए स्टूडेंट्स को जब वो इंजीनियरिंग एमबीए कर रहे हैं, ताकि वो उनका जो यूज है, उनकी जो हेल्प है, उनका करियर में हो पाए उन स्किल्स की वजह से. तो अगेन थोड़ा पर्सनल कॉन्टेक्स्ट से शायद मैं आंसर दूंगा, बट मैंने जब इंजीनियरिंग ज्वाइन करी आई वॉज अ वेरी शाई काइंड ऑफ अ पर्सन. मैं इतना ज्यादा बात नहीं करता था. मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी फ्लुएंट नहीं थी. मुझे पब्लिक स्पीकिंग इतनी नहीं आती थी. आई थिंक इंजीनियरिंग में व्हाट आई रियलाइज वाज पहले ही कुछ महीनों में ही जैसे जैसे दोस्त बनने लगे, जैसे जैसे आई ज्वाइन डिफरेंट क्लब्स डिपार्टमेंट्स, इट रियली हेल्प मी ओपन अप. और आई थिंक 12th के बाद जब आप एक फुल टाइम इंजीनियरिंग प्रोग्राम में जाते हो, वहाँ जाके हॉस्टल्स में रहते हो, कॉलेजेस में रहते हो, वो जो पर्सनल डेवलपमेंट होता है आपका स्किल्स का, सडनली मेरा ट्रांजिशन हुआ फ्रॉम बीइंग एन इंट्रोवर्ट पर्सन टू एन एक्सट्रोवर्ट पर्सन. आई कुड स्टार्ट मेकिंग अ कन्वर्सेशन विद समवन. ये जो पर्सनल डेवलपमेंट मिलता है उस एनवायरनमेंट में वो अनमैचेबल होता है. एंड आई थिंक इन इंजीनियरिंग स्पेशली इन अंडर ग्रेजुएशन, कोई भी अंडर ग्रेजुएशन कर रहे हो अगर आप, यू शुड ऑलवेज मेक इट अ पॉइंट कि सॉफ्ट स्किल्स पर बहुत फोकस करो. Right. क्योंकि हार्ड स्किल्स तो आप अगर फ्यूचर में कोई कंपनी भी ज्वाइन करते हो, आपकी हैंड्स ऑन लर्निंग बहुत अच्छी होगी. वो कंपनी आपको उनकी टेक्नोलॉजीज, उनके बिजनेस मॉडल पे ट्रेन करेगी ही करेगी. Right. और बेसिक्स आप कॉलेज में सीख जाते हो, बट जो कॉलेज में रह के आप अपने पर्सनल एस्पेक्ट्स पे काम कर सकते हो, शायद वो मौका दोबारा आपको प्रोफेशनल वर्ल्ड में ना मिले. तो आई मेड इट अ पॉइंट कि मैं कुछ भी कर रहा हूँ बिट्स में, मेरी पर्सनल ग्रोथ वॉज ऑलवेज पिवोटल. तो मैं सॉफ्ट स्किल्स में, डिबेट्स में, कॉम्पिटिशन्स में, इन सब में काफ़ी पार्टिसिपेट करता था. दैट रियली हेल्प मी. आई थिंक एमबीए तक आते आते आप थोड़े क्लियर हो जाते हो कि आपको एमबीए क्यों करना है, व्हाट इज़ योर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम इट. एमबीए रियली रियली हेल्प्स इन माय ओपिनियन, एमबीए रियली हेल्प्स विथ योर नेटवर्क. मतलब जो बैचमेट्स आपको एमबीए मिलते हैं, स्पेशली मेरे केस में एग्जीक्यूटिव एमबीए मिले, ऑल वर इन सीनियर मिड मैनेजरियल पोजिशंस ऑफ डिफरेंट एमएनसीज. मेरे केस में तो सब वर्किंग प्रोफेशनल्स थे. राइट. तो वहाँ पे आई स्टिल रिमेंबर कोई ओरेकल से था, कोई केपीएमजी से था, कोई फेसबुक से था. अच्छा. और सब लोग अपने कैरियर में 5-6 साल के एक्सपीरियंस के साथ आए थे. ओके. तो उनके साथ, उस नेटवर्क के साथ मैं आज भी इतना वेल कनेक्टेड हूँ दैट कहीं पे भी लाइफ में कुछ प्रोफेशनली चाहिए होता है. Right. तो आई सीक गाइडेंस, उनकी हेल्प ले लेता हूँ. एमबीए रियली हेल्प्स विद नेटवर्किंग, ब्रिंगिंग यू क्लोजर टू द राइट सेट ऑफ पीपल. अब बिकॉज आप अपनी पर्सनैलिटी को ग्रूम कर सकते हो कि आप वैसे बॉन्ड्स बना पाओ, वैसे कनेक्शन स्टैब्लिश कर पाओ. करेक्ट. आई थिंक कोई भी एजुकेशन हो, हार्ड स्किल्स हमेशा आपको जॉब्स में, हैंड्स ऑन लर्निंग में ही ज्यादा आएंगी. बट ये सॉफ्टवेयर स्किल्स जो है, नेटवर्किंग हो, पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो, आई थिंक दीज काइंड ऑफ स्किल्स रियली हेल्प्स इन योर कॉलेज लाइफ. तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हमने पूछे और बहुत, मुझे लगता है बहुत डिटेल में इन्होंने आंसर दिए अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से. मुझे लगता है आप सभी स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी लर्निंग रही होगी, जो भी इंजीनियरिंग एस्पायरेंट्स हैं, एमबीए एस्पायरेंट्स हैं. तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आए तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. और अगर आपके कुछ और क्वेश्चंस हैं जो आप अर्पित से पूछना चाहते हैं,
हैं आप कमेंट्स में हमें बता सकते हैं, मैं अर्पित से उनके जवाब लूंगा और आपको कमेंट्स में रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो थैंक यू अर्पित फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू।